एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरिस्टोटल से रिलेटेड। एरिस्टोटल ने जो अपने पोएटिक्स बुक में 6 एलिमेंट्स बताए थे, तो उसी का मैं यहाँ पर पॉइंट्स का जो सेकंड पॉइंट्स है उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैं एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन भी दी थी और जो प्लॉट के बारे में उन्होंने बताया था। 6 एलिमेंट में सबसे फर्स्ट जो था वो प्लॉट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो उन्होंने प्लॉट के बारे में बताया था। तो मैं प्लॉट को पूरा डिटेल में बताई हूँ और आज मैं कैरेक्टर और इथोस के बारे में बताऊँगी। और आज 6 एलिमेंट्स का जो भी पार्ट है मैं इसको कम्प्लीट करूँगी। तो ये पार्ट 2 है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। और मैं बुक से नोट्स बनाती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स को मैं फॉलो करती हूँ और फिर नोट्स बनाती हूँ। और आप लोग के लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखें। तो उस दिन मैंने प्लॉट या फिर इसको मेथड्स भी बोलते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। और आज मैं बताऊँगी कैरेक्टर जिसको इथोस बोलते हैं। तो देख लेते हैं, एक एक का मैं डील करूँगी और पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो इथोस है, जो कैरेक्टर है, ये क्या है और इसके लिए एरिस्टोटल ने क्या अपने व्यूज दिए थे कि किस तरह का एक अगर पोइट्री लिखी जा रही है, नॉवल लिखे जा रहे हैं, ड्रामा लिखे जा रहे हैं, तो उसमें कैरेक्टर का क्या रोल होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा रोल प्ले करता है या फिर कैसा करना चाहिए, इस सारे चीज़ों को यहाँ पर एरिस्टोटल ने बताया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल हैज मेंशन्ड द क्वालिटीज और कैरेक्टर ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने इसमें बताया है कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट मीन्स जो कि मेन कैरेक्टर होता है प्ले में, ड्रामा में या फिर पोइट्री में, तो किसी भी चीज़ में जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी चीज़ में, तो उसमें क्या होता है कि उस वही पूरा शुरू से लेके लास्ट तक उसका जो कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर होता है। तो उस कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे सपोज़ हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी में जो एक हीरो है या फिर जो विलन है, तो उन लोगों के कैरेक्टर किस तरह के होने चाहिए। जो हीरो है ऑब्वियसली है कि वो दूसरों की मदद करेगा, सब अच्छा काम करेगा सोसाइटी के लिए, और जो विलन है बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो गलत करेगा। तो इसमें विलन का तो नहीं, प्रोटोगोनिस्ट यानी जो हीरो होता है, जो मेन होता है, तो उसका कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पर एरिस्टोटल जो है वो मेंशन किए थे अपने बुक पोएटिक्स में। पोएटिक्स में उन्होंने 6 एलिमेंट्स बताए थे ट्रेजिडी के, उन्होंने एपिक के बारे में भी डिस्कस किया है, कॉमेडी के बारे में उन्होंने बहुत ही कम लिखा है। कहा जाता है कि कॉमेडी को लेकर जो भी उनके व्यूज थे, या फिर अगर थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा भी था तो वो सारे चीज़ मिसिंग हो गए हैं। तो कॉमेडी के बारे में तो इतना कुछ नहीं मिला है, लेकिन ट्रेजिडी के बारे में, एपिक के बारे में बहुत कुछ हमें जानने को मिला है। तो अब एक एक करके पॉइंट्स देख लेंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट वॉज हीज गुडनेस। तो एक अच्छे कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, है ना, वो उसमें किसी भी तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्या है, द सेकेंड थिंग टू एम एट इज प्रॉपर्टी करेजेस एंड डियर टू एवरीवन। और सेकंड क्या होना चाहिए कि वो बिल्कुल साहसी हो, है ना, और उसमें एम हो कुछ करने का, और वो सबको पसंद होना चाहिए, मतलब सबका प्यारा होना चाहिए, इस तरह का उसमें कैरेक्टर होना चाहिए एक प्रोटोगोनिस्ट में। अब थर्ड क्या है, थर्डली अ कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ, दिस इज अ डिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम गुडनेस एंड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है कि जो कैरेक्टर है वो उसका लाइफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल मतलब वो सत्य होना चाहिए, उसमें जो है सत्य की भावना होनी चाहिए, और ये सारे चीज़ें उसको क्या करती है, उसको अच्छाई की तरफ ले जाती है, ठीक है, उसको अच्छाई की तरफ ले जाती है और उसको बुराई से बचाती है ना, क्योंकि उसमें सच्चाई की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेंगे, द फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी टू एवरीवन। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, एक तुला हुआ व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और किसी के साथ मीडियम है, वैसा नहीं है। तो
तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर होना चाहिए कंसिस्टेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ एरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में लिखा था कि अगर कोई पोएट्री लिख रहा है, ड्रामा लिख रहा है और कोई नॉवेल लिख रहा है और उसके कैरेक्टर में ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेंगे। हाँ, एक और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर तो ये ख़त्म हो गया, ये जो मैंने बताया कैरेक्टर और जो इथोस है, तो ये सारे चीज़ इनमें होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि हमर्शिया, ये जो हमर्शिया है ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में आपका लिखने एक्सप्लेन करने आ सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको हल्का सा बताऊंगी कि ये क्या चीज़ होता है। हल्का सा क्या, इस अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमर्शिया क्या होता है। हमर्शिया और द ट्रेजिक फॉलिंग, हमर्शिया भी बोला जाता है और इसको ट्रेजिक फॉलिंग भी बोला जाता है। तो टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ फेलियर, अरिस्टोटल हैज़ यूज द टर्म हमर्शिया विच मीन्स हिटिंग ऑफ द मार्क। अब देखिए एरिस्टोटल ने ये जो हमर्शिया है इसको किस तरह से, इसका जो टर्म है वो क्या होना चाहिए कि किसी को, एक तो पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि हमर्शिया होती क्या है। हमर्शिया ये होती है कि कोई भी जो मेन कैरेक्टर होता है कभी ना कभी उसका डाउनफॉल होता है, यानी उससे कभी ना कभी अपने होल लाइफ में कोई ना कोई गलती जरूर होती है और उसी गलती से उसका क्या होता है, अंत होता है, वो डाउनफॉल की ओर जाता है। तो यही चीज़ बताया कि हिटिंग ऑफ द मार्क, बिल्कुल मतलब इसको बोल सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर अगर अपने मतलब डाउनफॉल की ओर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो हिटिंग ऑफ द मार्क मतलब अपना जो भी लक्ष्य है, अपना जो भी उद्देश्य है, उसको ये क्या कर रहा है, वो डाउनफॉल कर रहा है, वो नीचे की ओर मतलब गिर रहा है, उसका जो बिहेवियर है सब कुछ है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। और हर एक इंसान से, एज ए ह्यूमन बींग, हर एक इंसान से गलती होती है, तो ये तो नेचर है कि ऐसा गलती हो ही सकता है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है उसको हमर्शिया कहा जाता है। हमर्शिया ऑल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लो, हमर्शिया इज द फॉल ऑफ अ नॉवल मैन, या फिर उसको हीरो भी बोलते हैं हम लोग, जो नॉवल मैन होता है वही हीरो होता है। तो हमर्शिया क्या होता है कि हीरो को डाउनफॉल करवाता है। इज काउज्ड बाय अ कार्डिनल सिन और अ सीरियस लैप्स, मतलब कुछ ना कुछ गलत उसके द्वारा किया जाता है या फिर कुछ पाप किया जाता है उसके द्वारा, कोई सीरियस कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसके द्वारा होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं इवेंट होती हैं जो उसके द्वारा घटित होती है। तो ये सारे चीज़ों को हमर्शिया या फिर ट्रेजिक फॉलिंग कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लोज इन ट्रेजिक हीरो इज हवरीज, तो एक सबसे मोस्ट फॉल क्या होता है, हवरीज होता है। अरिस्टोटल यूज द वर्ड इन हिज बुक पोएटिक्स, और इस वर्ड का यूज़ अरिस्टोटल ने अपने बुक पोएटिक्स में किया था। इन दिस बुक ही टेकन एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट, उस उन्होंने ये जो हवरीज है इसका जो मीनिंग है अपने पोएटिक बुक्स में लिखा था कि हीरो के द्वारा या फिर जो प्रोटोगनिस्ट है उसके द्वारा कुछ मिस्टेक हो जाना, जजमेंट में मिस्टेक हो जाना। जैसे किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जजमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, तो वही जब सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो वही सॉल्यूशन निकालने के अगर कुछ गलती हो जाती, कुछ एरर हो जाती है तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सिचुएशन क्या होता है, चेंज हो जाता है और सब कुछ अगेंस्ट हो जाता है प्रोटोगोनिस्ट के, हीरो के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, ट्रेजिक फॉलिंग होता है, है ना, हीरो का पतन हो जाता है। तो बस यही चीज़ है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, कुछ नॉवल ड्रामा में इसके एग्जाम्पल है जिससे कि ये चीज़ पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक हेमलेट है, है ना, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं, दीज कैरेक्टर आर सफर इन देयर्स प्ले, तो ये जो प्ले मतलब हुआ था इनके ऊपर और ये सब क्या थे, प्रोटोगोनिस्ट थे, तो इनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ था और ये सफ़र कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ों, किस मतलब चीज़ों को लेके, ये सारे जो प्रोटोगोनिस्ट है या फिर हीरो है तो ये सफ़र कर रहे थे, तो इनका फिर क्या हुआ, ट्रेजिक फ्लो हो गया, इनका पतन हो गया। तो अगर ये जो नॉवल है और जो ड्रामा है, अगर मैं इनका भी एक एक डिटेल बताऊंगी
तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एक एक करके इनकी जो भी ये कहानी है मैं बताऊं, तो कमेंट में ज़रूर बोल मतलब बताइएगा, मैं इनके बारे में ज़रूर डिटेल बताऊंगी। अभी तो बस मैं इतना ही बोलूंगी कि ये जो प्लेज हैं तो इन्हीं में क्या हुआ था कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं कुछ यहाँ पर प्लेज ली हूँ। तो इनके जो प्रोटोगोनिस्ट थे इन्होंने सफ़र किया था और उनके साथ क्या हुआ था, ट्रेजिक फ्लो हुआ था उनका। तो बस ये इतना ही है, इसलिए मैं आज इसको डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी कि क्या क्या है कहानी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर होगा तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इनसे रिलेटेड जो भी इनकी कहानी में या फिर ड्रामा में हुआ था इवेंट मैं ज़रूर बताऊंगी। अब आगे देख लेंगे कि जो सिक्स एलिमेंट्स थे एरिस्टोटल के, अब थर्ड एलिमेंट्स क्या है। थर्ड एलिमेंट्स क्या है, थॉट है, तो उसको डायोनिया बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, द अरिस्टोटल सेज लिटिल अबाउट थॉट। अरिस्टोटल ने बिल्कुल कम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोला है थॉट के बारे में। थॉट और व्हाट अ कैरेक्टर थिंग्स और फील्स ड्यूरिंग हिज करियर इन द प्ले। ये जो थॉट होता है या फिर कैरेक्टर जो होता है ये क्या करते हैं प्ले, जब प्ले होता है तो प्ले के दौरान ये सोचते हैं, ये कुछ सोचते हैं, तो यही क्या होता है आपके मतलब थॉट होते हैं। इट रिवेल्स इट सेल्फ इन स्पीच, तो वो जो सोचते हैं जो उनका फीलिंग होता है तो स्पीच के थ्रू उसको स्टेज में बोला जाता है, या फिर कोई भी अगर प्ले होता है तो इसमें स्पीच के थ्रू उसी थॉट को बोला जाता है ना, जिसको स्क्रिप्ट्स भी बोला जाता है, एज प्लॉट जिसको डायलॉग भी बोला जाता है। एज प्लॉट इमिटेट्स एक्शन एंड कैरेक्टर मैन, सो थॉट इमिटेट्स मैंस मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शंस टू द सर्कमस्टांसेस इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। अब इसमें बता रहा है कि किसी भी तरह की जो परिस्थितियां होती है उस हिसाब से जो भी बातें या फिर जो भी डायलॉग जो भी स्पीचेस बोले जाते हैं उन्हीं को थॉट बोला जाता है। तो ये हो गया थॉट का कि किस तरह का थॉट बोला जाता है या फिर कैसा होता है, तो वो क्या होता है इमोशंस होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उनके इमोशंस होते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं, तो जिसको वो स्पीच के थ्रू सामने लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज, या फिर उसको डिक्शन भी बोला जाता है या फिर उसको लैक्सिस भी बोला जाता है। तो लैक्सिस और लैंग्वेज इन थिएटर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ये जो लैक्सिस है या फिर इसको लैंग्वेज बोल लीजिए डिक्शन बोल लीजिए, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, द स्पोकन वर्ड एंड संग वर्ड। पहला क्या है, स्पोकन वर्ड है, और दूसरा क्या है, संग वर्ड है, यानी बोल के, और दूसरा म्यूजिकल टोन में सुना के, उस टाइप से कुछ गा के। इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी यूज बाय ड्रामेटिस्ट। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है वर्ड्स का, और जो वोकेबलरी होता है तरह तरह का, जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, एक शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं, तो उसी को यूज़ करता है ड्रामेटिस्ट, यूज़ करता है लैंग्वेज में। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग कोई भी मूवी देख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मूवी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे बंगाली हो, पंजाबी हो, या फिर हिंदी हो, तो उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम लोग सब चीज़ को समझ पाते हैं। तो इसमें लैंग्वेज में क्या क्या यूज़ होता है, वर्ड का सिलेक्शन होता है, वोकैबुलरी का, और जिसको ड्रामेटिस्ट अपने प्ले में यूज़ करते हैं। डिक्शन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स, सम बोथ इन वर्ड्स एंड प्रोज। तो इसमें वर्ड्स और प्रोज का भी यूज़ किया जाता है, और मीनिंग के द्वारा ही फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, और उसका एक सही मीनिंग बैठता है लैंग्वेज का, तो उसका क्या बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है कैरेक्टर एक दूसरे से, तो ये सारे चीज़ों को लैंग्वेज के थ्रू ही बोला जाता है, जिसमें वर्ड्स का और प्रोज का दोनों का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है म्यूज़िक, इसको मेलोपोया भी बोला जाता है। तो ये भी ऑब्वियस बात है कि अगर कोई प्ले हो रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, तो उसमें म्यूज़िक तो बिल्कुल ही रहेगा। तो द ग्रीक चोर्स एंड द एक्टर्स हैड द लिबर्टी टू यूज़ ऑल द प्रिवेलेंट म्यूजिकल फॉर्म्स एज देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर रिचुअल रीजन्स।
पहले क्या था कि अगर कोई पोइट्री लिख रहा है कुछ है तो कभी कभी होता था कि अगर उसमें कुछ ना कुछ अगर गलती किया हो तो उसमें क्रिटिसिज्म होता था, है ना। कोई दूसरे जो अदर्स पोइट होते हैं उस चीज़ को रोकते थे, लेकिन इसमें क्या था कि म्यूज़िक के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं था। आप म्यूज़िक को मतलब कोई सा भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो लिबर्टी होती थी, छूट होती थी एक्टर्स को म्यूज़िकल फॉर्म को ये करने के लिए, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। जो रिचुअल रीज़न के लिए भी म्यूज़िक के फॉर्म को रोका नहीं जाता था। जैसे धार्मिक कोई कभी कभी होता है ना, कोई मूवी धर्म के अगेंस्ट बन गई तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं कि नहीं ये मूवी सही नहीं है, इसको बैन किया जाए। लेकिन ये जो म्यूज़िक था इसके ऊपर किसी भी तरह का रिलीजियन या फिर रिचुअल रीज़न से इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अपने हिसाब से, अपने फ्रीडम के हिसाब से इसमें म्यूजिक यूज कर सकते थे। द इमेंस वैरायटी ऑफ टोन्स एंड मेलोडीज विद द सबटाइल नॉन्सेंस ऑफ टोन कलर कुड हैव प्रोवाइडेड अ वास्ट एरिया ऑफ कल्चरल रेफरेंसेस। अब इसमें क्या है कि आप किसी भी तरह का आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं, तो म्यूजिक का जो एरिया था ये बहुत ज़्यादा वास्ट था, है ना। बहुत ज़्यादा जो कल्चरल रेफरेंस था इसमें तो बहुत ज़्यादा वास्ट था, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का पाबंदी, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब सिक्स जो करेक्ट ये है आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं स्पेक्टिकल, इसको ऑब्सेस भी बोला जाता है। तो देख लेंगे क्या है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल और स्टेज रिप्रेजेंटेशंस द लास्ट ऑफ द सिक्स पार्ट्स ऑफ कनेक्टेड लास्ट विद द आर्ट ऑफ पोइट्री बीइंग द वर्क ऑफ द स्टेज मैकेनिक। अब इसमें क्या है कि जो स्पेक्टिकल क्या चीज़ होता है कि स्टेज में जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब सज्जा, जो कर्टन होते हैं, है ना, जो फूलों से साज सज्जा होती है, जो डेकोरेशन होते हैं, तो ये सारे चीज़ों को उसमें लिया जाता है। तो ये क्या एक तरह का आर्ट है, ये एक तरह का द आर्ट ऑफ पोइट्री बीइंग द वर्क ऑफ द स्टेज मैकेनिक, ये एक आर्ट है, मतलब जिसको कि प्रेजेंट किया जाता है जब ड्रामा को, मतलब ड्रामा का जब परफॉर्मेंस होता है तब आर्ट भी उसके साथ आता है, क्योंकि जो भी साज सज्जा रहता है तो उसी के ऊपर सब कुछ ये किया जाता है, बनाया जाता है, जो भी है, ड्रामा है या फिर प्ले है। ऑल द ऑप्शन शुड बी टेकन टू मैन एवरी थिंग विजुअल इन थिएटर सच एज फॉर्मेशन ऑफ डांसर इन द कोरस द कॉस्ट्यूम्स मूवमेंट जेस्चर्स एंड हैंड साइंस ऑफ द एक्टर। इट इज़ लोएस्ट इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विथ लिटरेचर। अब इसमें क्या है कि जो भी साज सज्जा होती है, जो भी डांसर होते हैं, कोरस जो भी डांसर होते हैं या फिर जो कोरस सिंगर्स होते हैं वो सब आते हैं इसमें, कॉस्ट्यूम्स आते हैं जो पहनते हैं, मूवमेंट्स होते हैं जो डांस वगैरह, जेस्चर जो इशारे होते हैं बोलने के थ्रू, और जो हैंड साइन होते हैं जो हाथों से एक्शन किए जाते हैं एक्टर्स के द्वारा, तो ये सारा चीज़ क्या होता है स्पेक्टिकल में आता है। ये सबसे लोएस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसका प्ले में या फिर ड्रामा में, क्योंकि ये लिटरेचर में बहुत ही कम मतलब इसको वैल्यू दिया जाता है, तो और इसका लिटरेचर भी बहुत कम है तो इसीलिए इसको उतना वैल्यू, सबसे कम वैल्यू दिया जाता है इसको, बस इतना ही ये है इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आपका जो सिक्स एलिमेंट्स था वो ख़त्म हो गया। मैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स है और इसका इंट्रोडक्शन है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करें। और ये जो नोट्स हैं ये अगर आप लोग चाहें इस नोट्स से तो आप लोग पढ़ाई करके इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपके अच्छे मार्क इससे ऑब्टेंड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाया है। हाँ, ये नहीं है कि आप इसी नोट्स को बिल्कुल ले जाके लिख दें, आप इसमें कुछ अपने से भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें आप अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, अगर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक बेस होता है नोट्स का उसको वो आप लोग को यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय एंड टेक केयर।